शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीहरे नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सांदीपनि विद्या निकेतन की इस पाठशाला भूमि में, श्री हरि मंदिर की यज्ञशाला भूमि में और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की यह प्रवचन शाला भूमि में गुरु आसन पर बैठे हुए हमारे सद्गुरुदेव को मनसा वचसा कर्मणा प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री रामचरित मानस में चौपाय है, राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरी सुमिरी, दशरथ जी भगवान राम का स्मरण करते हैं तब। ठीक इसी ही तरह यहाँ पूज्य गुरुदेव हमें नाम रूप गुणशील स्वभाव, प्रत्येक नाम का रूप, प्रत्येक नाम का गुण, प्रत्येक नाम का सील स्वभाव, तेज महिमा का वर्णन करते हुए हमारे पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव के चरणों में फिर से एक बार प्रणाम। और आज की पोथी पूजा के लिए मुख्य मनोरथी यजमान श्री बजरंगलाल जी तापड़िया जी फैमिली मुंबई तथा श्री तृप्ति बहन धीरजलाल भाई पंडित फैमिली बड़ौदा से, इन दोनों के प्रतिनिधि ऋषि कुमारों के द्वारा पूजा संपन्न होगी। श्री हरि भगवान की जय। हस्ते गंधाक्षतकुसुमानि गृहीत्वा विष्णुं ध्यायेत् श्रीहरिं परमानन्दं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय ब्रह्मण्याय ध्यानार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालिकां। सत्येशाय नमस्तुभ्यं मूर्तामूर्तस्वरूपिणे वासुदेवेश देवेश पुष्पमाला समर्यते। ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय ब्रह्मविवर्धनाय नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि व्यासपूजनम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनो शम्भु भगवान् बादरायणः। ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वसहस्रनामार्णवकर्णधाराय सद्गुरवे नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि देवाग्रे नैवेद्यं निधाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रेण सलिलेन सम्प्रोक्ष्य धेन्वामृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य। ॐ प्राणाय स्वाहा, अमपानाय स्वाहा, ॐ ज्ञानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा, मध्ये सलिलं समर्पयामि भुक्तवन्तं भगवन्तं ध्यायेत्। अन्नं चतुर्विधं स्वादो रसे षड्भिः समन्वितं भक्ष्य भोज्य समायुक्तम् नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां पुनर्भोजयेत्। ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐपानाय स्वाहा, ॐ ज्ञानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा। उत्तरपोषणं चैव हस्तप्रक्षालनं तथा मुखप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते जलमिन्दुना करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे प्रार्थयेत्। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनम् गुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। ॐ भूर्भुवः स्वः
ब्रह्मज्ञाय ब्राह्मण प्रियाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब किसी गंतव्य स्थान पर जाना होता है तो यान में बैठने के बाद विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए गुरुदेव की कृपा गाड़ी यहाँ तैयार है। हमारे पर कृपा करने को गुरुदेव तैयार है। ज्ञान यान में बैठे हुए हम सभी चलिए यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव। सदगुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये राधे गोविंद।
शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सब नाम रूपात्मक जगत भगवान का ही रूप है और वह ब्रह्म नाम रूप से रहित है। ऐसी ऐसी विरुद्ध बातें शास्त्रों में सुनने को मिलती है, तो इसका तात्पर्य क्या है? देखो, उपनिषदों के मंत्रों श्रुतियों में भी जहां इस प्रकार का भिन्न भिन्न बातों का दर्शन होता है और मन में जब थोड़ा प्रश्न उठने लगता है, शंका तो नहीं, शंका अलग चीज है, लेकिन प्रश्न उठता है जिज्ञासा से, तो उसी का समाधान करने के लिए, उसका निरसन करने के लिए, उस शंका संशय का या प्रश्न का समाधान भगवान आद्य शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों की रचना करी और इतना बढ़िया से समझाया है कि ये श्रुति ऐसा कहती है और ये श्रुति ऐसा कहती है, तो आपको लगता है कि विरुद्ध बातें हैं, लेकिन
इसका तात्पर्य ये है, स्टेप बाय स्टेप एक एक सूत्र को देखते चले जाओ ब्रह्म सूत्र में, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो कोई समर्थ महापुरुष की सन्निधि में बैठ करके उसका जब आप स्वाध्याय करो बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो एक भूमिका, एक पात्रता, एक योग्यता जब बनती है तब उस कुल में दाखिला लेना चाहिए। अब आचार्यों ने उसी ब्रह्म सूत्र पर टीकाएं भाष्य लिखे, अपने अपने मत की पुष्टि करने वाला रामानुजाचार्य जी का भाष्य, श्री वल्लभाचार्य जी का भाष्य, शंकराचार्य जी का, तो इस तरह से उन आचार्यों ने बड़ी कृपा की है हम पर। तो भगवद गीता में भी जब बातें आती है, अच्छा आप कथा में भी सुनोगे तो इस तरह से, कल तो ये कहा था व्यासपीठ से, आज फिर ये कह रहे हैं, ये मन में कभी प्रश्न उठेगा। श्री कृष्ण उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठा। शुरुआत में पहले तो सांख्य योग द्वितीय स्कंद अध्याय, और फिर सीधा तीसरा अध्याय तो कर्म योग, तो निवृत्ति की बात, उसकी महिमा गाई, फिर प्रवृत्ति की महिमा, और युद्ध में लगाया, तो अर्जुन के मन में भी संशय उठना स्वाभाविक था। पहले तो सांख्य की महिमा करी आपने, निवृत्ति मार्ग की, ज्ञान पथ की, और पुनर्योगम च संशसी, अब योग की स्तुति करने लगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य। तो यही होता है। तो सद्गुरु कहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये तो हम सुनते हैं, क्यों बोल रहा है चलो ये भी समझते हैं, लेकिन वो कहां से बोल रहा है, किस भूमिका से, वो समझना भी उतना ही आवश्यक है। तो कोई बात ज्ञान की दृष्टि से कही जाती है, कोई बात योग की दृष्टि से कही जाती है, कोई बात ब्रह्मचारियों के लिए कही जाती है, और कोई सन्यासी के लिए कही जाती है। अब सन्यासियों के लिए कही जाने वाली जो बातें हैं, निवृत्ति मार्ग की बातें हैं, तो फिर वो गृहस्थ लोग सुन लें तो वो अलग इसका अर्थ करेंगे, और फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो कथा में भी कई बार चर्चा, अभी इन दिनों में तो नहीं, लेकिन ओशो के साहित्य से ये बात मिली थी तो अच्छी लगी, क्योंकि ओशो बुद्ध का बहुत ये करते थे। तो बोले भगवान बुद्ध के पास सुबह में एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं तो मानता हूँ कि भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वेदांत का अभ्यास किया होगा या कहीं सुन लिया होगा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि। तो ये कहते हैं, बोले आपका क्या मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और शाम को एक दूसरा आदमी आया, बोले हम मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, शायद आप भी यही मानते हैं, तो हम आपके पास चले आए, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं, बोले वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी। बुद्ध ने कहा या गुरु ने कहा, जो भी आप समझ लो, तो उनका अंतरंग शिष्य जो साथ में ही रहता था हमेशा, तो पहले तो उसके मन में ही शंका हुई कि गुरु जी गजब नु चलावे छे, हवार न कहीं बोले छे, हाँ जे कहीं बोले छे,
सुबह वाले को ये बताया कि नहीं है, शाम वाले को ये बताया कि वही है, तो फिर उसने पूछा कि आपने एक को पूछ, एक ने पूछा तो ऐसा बताया, शाम को दूसरा पूछता है तो उसको वैसा बताया, तो गड़बड़ में पड़ गया मैं, अब कहना क्या चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि तू मेरी सेवा में है, सेवा में था, सेवा में रहे, दोनों में से एक प्रश्न जवाब भी तेरे लिए तो था नहीं, क्योंकि तूने पूछा तो था नहीं, तो दूसरों को दिया हुआ जवाब तू क्यों पकड़ता है, एक भी जवाब तेरे लिए तो नहीं था, तू पूछता तो तुझे जवाब देता। और शिष्य की भूमिका देखते हुए फिर गुरु एक ही प्रश्न तीन पूछे तो तीनों को अलग अलग जवाब दे, ऐसा संभव है, वही वाली बात कि रोग सेम हो लेकिन बैज जी तीनों रोगियों को, भले ही रोग सेम है एक समान है, इसको भी बुखार है, इसको भी बुखार है, इसको भी बुखार है, लेकिन तीनों को अलग अलग दवाई देंगे, आयुर्वेद में तो यह है, क्यों? क्योंकि रोगी की प्रकृति अलग अलग है, रोग भले ही सेम है लेकिन रोगी की प्रकृति को देखते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं बैज जी, और तद अनुसार चिकित्सा नक्की करते हैं, निश्चित करते हैं, तो दवाई में फर्क हो सकता। फिर वो तीनों बाहर जाकर के आपस में चर्चा करें, यार अपने को तीनों को बुखारी है, और बैज जी ने तीनों को तुझे क्या दिया, बोले ये मेरे पास, बोले ये है तेरे पास क्या है, ये तीनों को अलग अलग। वो सुबह जैसे स्कूल जाने का टाइम हुआ तो कहता है बच्चा मैं नहीं जाने वाला स्कूल, तू क्यों यूं यूं कर रही है गौरी। तो मैं नहीं जाने वाला स्कूल, अरे बच्चा स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी होती है, क्यों नहीं जाना है। तो गौरी कहती है कि परसों स्कूल में गए तो मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी टीचर, तो कहती है 3 + 2 = 5, और कल मैडम आई तो फिर मैथमेटिक्स सिखाने लगी तो कहती है 4 + 1 = 5, टीचर खुद कंफ्यूज्ड है। परसों कहती है 3 + 2 = 5 होता है, आज कहती है 4 + 1 = 5 होता है, तो उसको खुद को पता नहीं मैं क्या उसके पास पढ़ने के लिए जाऊं, बोलो। तो कभी कभी चेलों को ये मन में हो जाती है शंका कि क्या कह रहे हैं, इसको ऐसा जवाब दिया, उसको वैसा जवाब दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई एक भी जवाब तेरे लिए तो था नहीं, क्योंकि तूने पूछा नहीं था, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, दूसरे की चीज को क्यों उठा रहा है, तू पूछता तो तुझे जवाब मिलता, और हो सकता है वो कोई तीसरा ही जवाब हो, क्योंकि शिष्य की भूमिका को सद्गुरु देखते हैं। तो जब अर्जुन ने पूछा कि ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले सांख्य की महिमा गाई फिर योग की और मुझे फिर युद्ध रूप घोर कर्म में लगा रहे हो, सांख्य की इतनी महिमा है तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हाँ, तो कृष्ण तो न जाने कितनी बार रिपीटेडली बोले युद्धस्व तस्मात युद्धस्व, बात करने के बाद फिर इसलिए तू युद्ध कर। तो आप तो मुझे इस घोर कर्म में, युद्ध रूप घोर कर्म में लगा रहे हो, आगे नाम आएगा रणप्रिय।
तो इन दोनों में श्रेष्ठ हकीकत में है कौन? ज्ञान मार्ग कि कर्म मार्ग, सांख्य मार्ग कि योग मार्ग, निवृत्ति या प्रवृत्ति, महिमा किसकी है? इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तो श्री कृष्ण ने कहा, प्रश्न पूछने में गलती करी, प्रश्न गलत है। दोनों मार्ग श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है ऐसा मत पूछ। तू यदि यह पूछेगा इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो मेरा जवाब है दोनों श्रेष्ठ है। तू ये पूछ कि तेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, यह प्रश्न सही होता। मेरे लिए क्या उपयुक्त होगा ये पूछता। तो इसलिए तो कह रहा हूं बार बार, युद्धस्व युद्धस्व, तेरे लिए ये है। तो जहां जहां शास्त्रों की बातों में, वेदों की बातों में विसंगति दिखाई दे, तो उस विसंगति में भी संगति कैसे बैठाना। इसलिए भागवत के महात्म्य में, भागवत के वक्ता के लक्षण या क्वालिटीज या अपेक्षित गुण के विषय में जो बताया गया है, उसमें से एक है वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। तो सब नाम रूप उसी के है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, और वो नाम रूप से रहित है। दोनों उल्टी बातें मालूम पड़ेगी। अब जो जिन नामों का हम दर्शन करने वाले हैं, जिन नामों पर विचार करने वाले हैं, आओ उसको देखते हुए धीरे धीरे समाधान मन को प्राप्त होए ऐसा प्रयास करें। महाक्रमो महाकर्मा, महाक्रमो महाकर्मा, महातेजा महोरगः, महातेजा महोरगः, महाक्रतुर्महायज्वा, महाक्रतुर्महायज्वा, महायज्ञो महाहविः, महायज्ञो महाहविः। महोरगह तक हमने देखा, वो महोरगह महान, बड़े भारी सर्प। तो आद्य शंकराचार्य कहते हैं वासुकी रूप, और नागों में शेषनाग की भी महिमा है। कहते हैं शेषनाग की फणा पर यूं धरती टिकी हुई है। ये जो शास्त्रों की बातें हैं वो नहीं समझ पाते, तो विज्ञान का आश्रय लेकर आदमी नास्तिक हो जाता है। तो हमारा ये विज्ञान वाली सोच हो ये तो अच्छी बात है, तो उससे तो और अनुराग बढ़ना चाहिए शास्त्रों की बातों में। लेकिन हम लिटरली ले लेते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। कोई ऊपर से फोटो लिया गया है पूरी पृथ्वी का, कहीं कोई यूं सर्प फना अपनी फैला करके बैठा नहीं है और उसके सिर पे पृथ्वी घूम रही है, ऐसा है नहीं। वही वाली बात कि एकदम रहस्य में छिपा करके बातें कही है। देव दानव ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया तो मेरु को मथानी बनाया, और रस्सी किसको बनाया था? वासुकी को। और वासुकी को भी अमृत का थोड़ा हिस्सा देना कबूल किया। अब ये मंदर पर्वत उसको उठाकर ला रहे थे, उठाया नहीं गया। सब लोगों ने समूह में प्रयास किया तो फिर उठाया, और समुद्र तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। तो फिर भगवान की प्रार्थना करी, भगवान आए, गरुड़ पर बैठकर आए।
ऐसा है ना कथा में। और भगवान ने लीला मात्र में जैसे कोई बालक फूल उठा ले, मंदर पर्वत को उठा लिया और समुद्र में रख दिया। फिर वासुकी की रस्सी और लपेटा वासुकी को, और एक तरफ देव और एक तरफ दैत्य, तो आधार नहीं था तो नीचे चला गया, तो भगवान ने कूर्म बन करके आधार दिया। भूमि कूर्म अनंत की हम पूजा करते हैं। आधार ये पृथ्वी की जो धारिणी शक्ति है, हम कहते हैं ना पांचों महाभूत है, तो पांचों महाभूत की अपनी अपनी शक्ति है। पृथ्वी के पास धारिणी शक्ति है, जल के पास आप्यायनी शक्ति है, तेज के पास दाहिका प्रकाशिका शक्ति है, और वायु के पास गतिमती शक्ति है, और आकाश के पास व्यापिनी शक्ति है। तो धारिणी शक्ति है, इसलिए धरणी कहते हैं पृथ्वी को, वो धारण करती है। लेकिन धरणी में धारण करने की शक्ति वो किसकी है, वो कौन देता है? जिसमें जो भी विशेषता है, जिसमें जो गुण है, जो शक्ति है, भगवान कहते हैं ये सब मेरा ही अंश या ये मेरी ही विभूति है। मम तेजोंश संभवम यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधुरजितमेव वा। तो ये शक्ति भगवान की ही है, और शेष सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जो शेष रह जाता है, काल में सब मिटता है, काल कहाँ मिटता है? अच्छा, ये वासुकी जिसको लपेटा गया है मेरु पर्वत के आसपास, और फिर मंथन, अगेन साईं मकरंद दवे से पूछोगे तो फिर वो योग वाले दर्शन और कुंडलिनी जागरण वाली बात करेंगे, सर्प की जहां बात आती है। तो महोरगह जुड़े क्यों, आगे वाला नाम लेते हैं। महाक्रतुर्महायज्वा महाक्रतुः क्रतु यज्ञ, क्रतु यज्ञ मख, और क्या नाम है? सव है? सव सव याग, याग। क्रतु और यज्ञ में भी थोड़ा अंतर माना है, ये सब नाम अलग अलग है तो कहीं प्रकार भी अलग अलग है। केड़ा जावे पण केटली जातना, केरी आवे मार्केट में केटली जात, उसी प्रकार क्रतु क्या है, यज्ञ क्या है, सव क्या है, याग क्या है, ये भी शास्त्रकारों ने समझाया। तो महाक्रतु भगवान यज्ञ स्वरूप है, यज्ञो वै विष्णु ऐसा कहा गया है। महांश्चासौ क्रतुश्चेति महाक्रतुः, भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं जो महान क्रतु यज्ञ है वह महाक्रतु है। जैसा कि मनु जी ने कहा है, जैसे यज्ञराज अश्वमेध यथा अश्वमेध क्रतुराट, क्रतुओं में सबसे बड़ा क्रतु कौन सा? अश्वमेध महाक्रतु, इसलिए शतक क्रतु कहलाते हैं इंद्र, क्योंकि ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्रासन का अधिकारी बनता है। महाक्रतु
महान यज्ञ स्वरूप। जो हम कई बार कथाओं में भी चर्चा किए हैं कि दो प्रकार से देखा जा सकता है सृष्टि को, कि ये यज्ञमय है, सृष्टि यज्ञमय है, निरंतर विराट का यह यज्ञ चल रहा है। आगे वाले सारे नाम यज्ञ से ही संबंधित है, तो यात्रा इस तरह से चलती जाएगी। अपाने जोहवती प्राणम कहकर के गीता में भी जो योग वाला यज्ञ बताया है, किसान खेती करता है तो वो भी यज्ञ है। हमने कई बार चर्चा करी ना कि भाई जब किसान खेत को जोतता है, भूमि को, तो तब भूमि में अग्नि तत्व होता है, और फिर जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी वो सोम तत्व है, वो आहुति है, अग्नि तत्व में सोम तत्व की आहुति, यज्ञ। घृत है, काष्ठ है, जो भी हुत द्रव्य है वो सोम तत्व है, और अग्नि में उसकी आहुति दिया जाता है। क्षीर, खीर, तो उसकी भी आहुति दिया जाता है, तो ये सब सोम तत्व है, तो अग्नि तत्व में सोम तत्व की आहुति। प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है जो अभी चल रहा है। तो यज्ञमय है सृष्टि। और वह जो महाक्रतु है, जो एक महान यज्ञ चल रहा है, विराट, भगवान का ही स्वरूप महाक्रतु, उसी तरह भक्ति की दृष्टि से हम कहते हैं तो रास निरंतर चल रहा है। तो भक्ति की दृष्टि से यज्ञ क्या है, योग की दृष्टि से यज्ञ क्या है, ज्ञान की दृष्टि से यज्ञ क्या है, तो हम भागवत में चर्चा करते हैं रासलीला प्रकरण में कि रास ये निरंतर घट रही घटना का नाम है, निरंतर हो रहा है। और हम सब गोपी है, लेकिन सोई हुई गोपी है, कृष्ण मुरली बजावे और कृष्ण की मुरली बज रही है लेकिन सुनने में आवे तो गोपी जाग जाए। हूरे सुती थी मारा शयन भवन मा, त्या तो सांभड़ियो में मुरली नो नाद, मुरली कां रे वगाड़ी क्या रे नहीं क्या रे एम नहीं क्या माथे मिंडू किस जगह ये काम हूं काम क्यों मुरली कां रे वगाड़ी। और फिर निशम्य गीतम तद नंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। तो मजा तो आता है, जीवन उसी में लगता है, उसकी पीड़ा भी एक आनंद देती है, प्रेम में पीड़ा भी एक आनंद देती है, धन्य भी मानती है अपने आप को और शिकायत भी करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे अपने प्रति प्रेम कराया, क्यों क्यों क्यों, और हमारी ये दशा करी। छेड़ो ना लाल कह कर के, वो ऐसे कई गीत है ना, और अच्छे हमारे कलाकार नृत्य भी करते हैं, लेकिन वो लाल न छेड़े तो भी समस्या, तो भी अच्छा नहीं लगता,
કેમ હમણાં હુકાઈ ગયો એમ લાગે છે બધું, જૈસે સબ સુખ ગયા ક્યો છેડતા નહીં. તો પ્રેમ કી વો ભૂમિકા દેખી કૈસી વિચિત્ર સી હૈ. વૈસે શિકાયત કરના, વૈસે ચાહના કી યે હોય, તો મુરલી ભી નિરંતર નાદ નિરંતર ચલ રહા હૈ, ક્યોંકિ નાદ પે હી તો પૂરી સૃષ્ટિ ટિકી હૈ, નાદ પે હી હમારા શરીર ટિકા હૈ. ઇસલિયે તો કહેતે હૈ ના, યે નાદ ફિર બંધ હો જાય સુનના પઢના, શરીર છૂટ જાતા હૈ. એક સૃષ્ટિ કા ભી એક નાદ હૈ, વો નાદ શાંત હો જાયેગા. કૃષ્ણ મુરલી બજા રખ દે તો સૃષ્ટિ જય શ્રી કૃષ્ણ. હું તો થાકી ગઈ, કઈને હોઈ જાય ભગવાનમાં. હા, સૃષ્ટિ ભી ક્યો રાસ કે બાદ હું તો થાકી ગઈ, પરસેવે રેબ જેબ આમરાસનો આનંદ, પરસેવે રેબ જેબ. એક બાજુ બેસી અને પછી પોતાના ઝાડીના પલ્લોથી આમ પોતાની જાતને પંખો કરતા કરતા હું તો થાકી ગઈ, પણ રાસનો આનંદ. પેલા નહીં ઓલો ઢોલી ઢોલ વગાડતો જ રહ્યો, ઢોલનો નાદ ને ત્યાં સુધી ઓલી બાયો બહેનો બધી નાચતી જ રહી. કયું સરસ પેલું આવી ગયું ને હમણાં ગુજરાતીમાં ફિલ્મ, વાગ્યો રે ઢોલ ભાઈ વાગ્યો રે ઢોલ, હા હેલા. નાદ હૈ તબ તક સબ ટિકા હૈ, તો એ શરીર મેં ભી એક નાદ હૈ, વો નાદ શાંત હો જાય ઓર શરીર છૂટ જાય. સૃષ્ટિ કા એક નાદ હૈ, વો નાદ શાંત હો જાય ઓર સૃષ્ટિ. સૃષ્ટિ ભી કહે કરકે કે હું તો થાકી ગઈ, ભગવાન મેં લીન હો જાતી હૈ. થાકીને પછી અંગળગી પડે ને કૃષ્ણને પ્રિયતમને, કૃષ્ણ સહારા દે. તો નાદ તો નિરંતર હો રહા હૈ, જિસ દિન સુનને મે આયા તો જાગ ગઈ ભીતર કી સોઈ હુઈ ગોપી. તો મુજે લગતા હૈ વો ભાગવત કે દશમ સ્કંદ કે 21વે અધ્યાય મે વેણુ ગીત હૈ. કેવું હારું કે 21 વર્ષની ઉંમરમાં જ ભગવાનની વેણુ સંભળાઈ, ત્યારથી સંભળાઈ જાય તો એના જેવું તમે કંઈ નહીં. અને પછી 29 આવતા આવતા તો 21-29ની જે યાત્રા છે, નિશમ્ય ગીતમ તદનંગ વર્ધનમ વ્રજસ્ત્રિય કૃષ્ણ ગૃહિત માણસ, અને 31મે તો ચરમ ઉપર પહોંચે. 31મો અધ્યાય ગોપી ગીત, અને 33માં તો કૃતાર્થ થઈ ગયા. આદ્ય શંકરાચાર્ય 32 વર્ષ જ રહ્યા, 32 વર્ષ કૃતાર્થ. તો નાદ નિરંતર ચલ રહા હૈ, તો રાસ કી દ્રષ્ટિ સે, ભક્તિ કી દ્રષ્ટિ સે રાસ હૈ, નિરંતર હો રહા હૈ. કર્મ કી દ્રષ્ટિ સે યજ્ઞ નિરંતર ચલ રહા હૈ, મહાકૃતુ. યોગ કી દ્રષ્ટિ સે હર સાંસ યજ્ઞ હૈ, इस प्राणाग्नि में अपाने जुहवती प्राणम. अ
अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन गीता में भी भगवान ने किया। योग यज्ञ तथा क्या है, तथा परे द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ है। महाक्रतुः महान यज्ञ स्वरूप, और उत्तर उत्तर अलग अलग प्रकार के यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है गीता में भी। तो श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सांसारिक वस्तु सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले सर्व यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका मतलब ज्ञान द्रव्य यज्ञ बंद करना ये नहीं होता है, उससे ये श्रेष्ठ है। ये सीढ़ी है, उससे और ऊपर की सीढ़ी और ऊपर की सीढ़ी, चढ़ते चढ़े जाओ, उठो पहुंचो ऊपर। तो इसका मतलब पहली सीढ़ी क्या दम है उसमें नहीं करना, ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ करके आप दूसरी चढ़ते हैं तीसरी चढ़ते हैं। अतः द्रव्य यज्ञ का भी अपना महत्व है, यज्ञ तप और दान, ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं इन तीनों का त्याग न करें, नित्य करना चाहिए। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि ये भी कहते हैं भगवान विभूति में, तो जप यज्ञ का भी अपना महत्व है। तो भक्त हाथ में माला लेकर के जप यज्ञ करता है तो उस हिसाब से उसकी श्रेष्ठता है। यज्ञशाला में सब ऋत्विज मिल करके द्रव्य यज्ञ करते हैं, उसकी अपनी एक अहमियत है। और यहाँ ये जो हो रहा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ उसकी अपनी अहमियत है। तो सः क्रतुः ज्ञान रूपत्वात्, ब्रह्मांड पुराण अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहमौषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम। आगे वाले नामों में ये सारा श्लोक का दर्शन करने को मिलेगा। तो महाक्रतुः, तो क्रतु अश्वमेध सब यज्ञों में, अश्वमेध का बड़ा महत्व है, लेकिन ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र बनते हैं तो शतक क्रतुः कहे जाते हैं। तो ऐसे महान यज्ञ स्वरूप यज्ञो वही विष्णु भगवान है। शिव रहस्य के अनुसार सर्वप्रथम छगलांड पुत्र छमंड ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और जपने से छमंड को सब यज्ञों का फल प्राप्त हुआ। तो क्या नाम मंत्र जपेंगे? ओम महाक्रतवे नमः, ओम महाक्रतवे नमः, महाक्रतुर महायज्वा, महाक्रतुर महायज्वा। इसी से संबंधित आगे वाला नाम है महायज्वा, लोक संग्रह के लिए महान यज्ञ करने वाले। स्वयं यज्ञ स्वरूप है ये तो ठीक, लेकिन यज्ञ करने वाले यजमान स्वरूप भी है।
पृथु के रूप में भगवान प्रकट हुए तो वैन ने जो यज्ञ बंद करा दिया था तो भगवान ने फिर शुरू कराया। शुरू कराया कैसे? बोल करके या ऑर्डर निकाल करके, आदेश दे करके नहीं, स्वयं यज्ञ किया। और राजा जब यज्ञ करने लगता है तो प्रजा भी यद्यदाचरती श्रेष्ठ के अनुसार उस मार्ग पर चलती है। स्वयं भगवान राम ने यज्ञ किए तो भगवान भी यजमान बनते हैं। इसलिए यज्ञ भगवान का रूप है और यज्ञ करने वाला यजमान भी भगवान का रूप है। महायज्वा, महान यजमान, क्योंकि ऐसा महान यज्ञ जिसका है विराट का, सृष्टि का। अब इस दृष्टि से देखो सृष्टि को तो क्या अहोभाव से मन भर जाता है, वाह मेरे मालिक क्या तेरा यज्ञ है, क्या तेरी लीला है, अद्भुत कर्मा। महायज्वा, बड़े यजमान महायज्वा, बड़ा यज्ञ करने वाला बड़ा यजमान। कई लोग कहते ना 1008 कुंडी, चारों तरफ से विद्वानों को बुलाया गया था पूरे भारत से, इतने दिन यज्ञ चला, लाखों लोग आए, लाखों लोगों ने प्रसाद पाया, महान यज्ञ किया और इसके यजमान ये थे। बहुत खर्चा किया, बड़े बड़े द्रव्य लगा करके, धन लगा करके किए हुए बड़े बड़े यज्ञ के यजमान वो यशमान हैं, यश कमाते हैं। तो भगवान जैसा यजमान कौन, जिसका इतना महान यज्ञ, अनंतानंद ब्रह्मांड विराट का यज्ञ और चल ही रहा है। एनु पूर्ण आहुति नु बीड़ू क्या रे हो, माशे खबर नहीं, चल ही रहा महायज्वा। कहते हैं भगवान, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहां जनक का नाम दिया गीता में भगवान ने कि कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः, ने तो ज्ञानी पुरुष है लेकिन इसलिए इनको राजर्षि कहा है। तो वही वाली बात, संन्यास और निवृत्ति की बात करें और कोई गृहस्थ, कोई राजा ये सामने बैठा हो और वो सोचे कि सब बेकार है, सब छोड़ो, कर्म बंधन है, निवृत्ति की ओर गड़बड़ हो जाएगी। तो सब उपदेश सबके लिए नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ चारों वर्ण और चारों आश्रम के अनुसार उनका धर्म क्या है ये बताया गया। बल्कि गीता में तो भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानी को भी जब अपने उन कर्मासक्त परिकरों के साथ रहता है तो ज्ञानी को भी उन अज्ञानियों यानी जो कर्म मार्ग के पथिक नहीं है लेकिन कर्मासक्ति जिनमें है उनके कल्याण के लिए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी देखा देखी वो भी कर्म करेंगे। क्योंकि ज्ञानी को तो करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ज्ञानी के न करने से उसके आसपास वाले लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। गुरुजी नहीं करता, अपने हूँ काम करवा, हमारा गुरुजी नोता करता, एम केम न कहता कि हमारा गुरुजी नोता खाता तम्बाकू आपड़े न खवाए। गुरुजी खाता हो तो लगभग वांधो ना आए, प्रेरणा मिले। त्यां तो हम ना थे, वो एक बार ये जो हरे कृष्ण वाले इस्कोन वाले एक कोई थे मेरे पास बैठे थे तो वो चाय कॉफी भी नहीं पीते,
तो हमने कहा कि क्यों नहीं पीते हो, बोले कृष्णा नहीं पीते थे। तो हमारे गुरुजी ये नहीं करते तो उन चीजों से वो दूर रहे। यानी यानी अस्माकम अनवद्यानी सुचरितानी, हाँ सुचरितानी तानी त्वयोपास्यानी नो इतराणी, इसलिए कहा तैतरी उपनिषद। तो ज्ञानी को भी उन अज्ञानियों की भांति लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहने चाहिए ताकि उनको प्रेरणा मिले, क्योंकि ज्ञानी तो कर्म भी इस तरह से करेगा कि कर्म का बंधन उसको होगा नहीं, लेकिन वो नहीं करेगा तो उसकी देखा देखी यदि जिनमें कर्माशक्ति है, जिनमें अभी रजोगुण का प्रभाव है, वो भी नहीं करेंगे कर्म तो उनका बड़ा नुकसान होगा। तो जनक जी जैसे राजर्षि ज्ञानी महापुरुष वो भी परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। लोक संग्रह को देख के यानी लोक कल्याण का विचार करते हुए अपना अपना जो नियत कर्म है वो करते रहना चाहिए लोक संग्रह के लिए, लोकोन्नति के लिए। महांतो ब्रह्मादयो यज्वानो यस्य स महाज्वा, जिसका यजन करने वाले ब्रह्मा के समान बड़े बड़े लोग हैं, महायज्वा। वो कहते हैं ना अरे उनके आश्रम में तो बड़े दिग्गज दिग्गज लोग आते हैं, या उनको तो बड़े दिग्गज दिग्गज मानते हैं। तो बड़े दिग्गज दिग्गज जो है देवता वो सब यजन करते हैं जिनका, ऐसे भगवान। तो वो स्वयं भी महान यजमान है, यज्ञ स्वरूप भी वही है यजमान, महायज्वा जो महान यज्ञ का अनुष्ठान करता है निस्वार्थ कर्म एकदम। क्या सहजता है सृष्टि में, आंबा ने कोई पूछे कि हूं कम भाई लुम्बो जुम्बो आटलो भार डालियो ने आटली बधी केरी, तो शू काम केरी आपे छे? आंबो ए पण नहीं के परोपकार भाई, परोपकार जेवी कई जी जोए, गर्मीना दिवसों में लोको रस रोटली खाई ने टमेटा जेवा थाय ने तो आम आपने जोई ने राजीपो थाय के वाह मारो बाप धराय ने खा, एवो आंबो के एकदम सहजता है। नदी के बहने में, फूलों के खिलने में, सूरज के निकलने में, वर्षा के होने में, और यज्ञ है ये एकदम सहजता से, ये विराट का यज्ञ चल रहा है। उसमें कोई ये मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं करता, बस आ बीमारी खाली माणहनी जात में आवी, एटले नरसिंह योगे से हूं करूं हूं करूं एज अज्ञान, ए हूँ करूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो भार जैम श्वानताणे, ए हूँ करूँ। महायज्वा यज्ञ स्वरूप भी भगवान है और इस विराट यज्ञ के करने वाले यजमान ये भी भगवान ही है, महायज्वा। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सर्वप्रथम जंभल ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा। क्या हो जाएगा नाम मंत्र इसका? महायज्वा से ओम महायज्वने नमः, ओम महायज्वने नमः। और इससे वो जंबल ऋषि वैकुंठ गामी है, तो वैकुंठ लोकप्रद है। ऋग्वेद में भी 3, 98,
एक में यह मंत्र संकेतित है। महाक्रतुर्महायज्वा महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः महायज्ञो महाहविः। महायज्ञ जप यज्ञ आदि भगवत प्राप्ति के साधन रूप समस्त यज्ञ जिनकी विभूतियां हैं ऐसे महान यज्ञ स्वरूप भगवान है, इसलिए महायज्ञ। तो सब यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ भगवान की विभूति रूप कौन? तो भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, तो वो सबसे महान है। तो इसलिए कि और किस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती और कोई की जरूरत नहीं पड़ती। और देश काल वाला जो थोड़ा एक बंधन है वो भी नहीं कि इस मुहूर्त में इस समय में और इस स्थान में यज्ञ किया जाए, वो बंधन भी नहीं। हम याद करते हैं ना पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के द्वारा कही गई एक बात, वृंदावन में उड़िया बाबा महाराज के समय में बड़ा एक अद्भुत वातावरण था वृंदावन में। अनेक सन्यासी अनेक साधक उड़िया बाबा जी के आश्रम में दिखते, तो स्वामी जी भी उस वक्त युवान रहे अखंडानंद जी स्वामी। स्वाभाविक रूप से उस समय में फिर जो हमारे ऊपर असर होता है तो प्रभाव स्पष्ट दिखता है उड़िया बाबा जी महाराज का स्वामी अखंडानंद जी महाराज के ऊपर। कई संतों की बात करते हैं उसमें, लेकिन उड़िया बाबा जी, मैंने जितना साहित्य पढ़ा स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, उसमें स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर उड़िया बाबा जी महाराज का। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर भी होते थे उड़िया बाबा जी महाराज के द्वारा समाधान, इसलिए स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी फिर प्रश्नोत्तर वाला शाम को 5 बजे, और उसमें मैं भी बैठा हूँ एक बार वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में, जब मैं कथा की सेवा के लिए गया था, और बीच में एक बार फिर शाम को पाँच बजे या जो भी समय होगा, मोटा मोटा तौर पर याद है शाम को 5 बजे। तो और वो जहाँ कुटिया में रहते थे वहीं बाहर वो कुर्सी लग जाती थी और साधक सब आस पास बैठ जाते थे और प्रश्न पूछते थे स्वामी जी को। तो एक साधु था युवान, तो उसके लिए एक साधक ने उड़िया बाबा जी को शिकायत कर दी जब सत्संग चल रहा था कि बाबा जी ये युवा साधु शौच करते समय भी नाम जप करता है। तो उड़िया बाबा जी ने उसको कहा कि भाई तब मत करो, भगवान में मन तुम्हारा लगा रहे हर समय अच्छी बात है, लगा रहने दो, लेकिन उस वक्त फिर मत करो। तो जी बाबा जी, उसने तो आज्ञा स्वीकार कर ली। तो एक बार उड़िया बाबा जी सुबह में शौच के लिए जा रहे थे, तो आज वाला मामला तो था नहीं, लोगों को बाहर ही जाना पड़ता था शौच के लिए। तो वृंदावन भी उस समय उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम से आगे उतना ज़्यादा फैला नहीं हुआ होगा, तब की बात यह है। हमें तो बार जवान हुए कितने किलोमीटर बार जवान हुई प्रश्न आ, हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए तो वहां तो फिर वही व्यवस्था थी पहली बार जब गए तो, नो टॉयलेट्स। तो सुबह सुबह उड़िया बाबा जी महाराज स्वयं शौच के लिए जा रहे थे, तो उस साधु को शौच के लिए बैठा हुआ देखा, तो यूं वो अपनी जीभ पकड़ करके दोनों हाथ से बैठा था। तो बाबा जी ने देख लिया तो फिर आगे चल गए एक दृष्टि डाल करके, और फिर उस दिन सत्संग में
उड़िया बाबा जी ने उस साधु से कहा, जीभ पकड़ के क्यों बैठा था? बोले, क्या करे बाबा जी, जीभ को नाम लेने की आदत हो गई है और आपने मना कर दिया और ये जीभ मानती ही नहीं थी, तो जिह्वा को पकड़ लिया कि चुप रहे, अभी चुप रहे, अभी चुप रहे। क्या नामाशक्ति हो गई होगी। कहते कहते उसकी आंख में आंसू आ गए तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि फिर तेरे लिए कोई बंधन नहीं है, तेरी स्थिति जब यह है। तो देश का बंधन, समय का बंधन कि भाई शौच के समय तो कम से कम जप यज्ञ ऐसा है, रखना चाहिए, यथासंभव रखना चाहिए, लेकिन जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। कोई द्रव्य, कोई व्यक्ति, कुछ भी अपेक्षित नहीं है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अरे प्यार नहीं है, प्रेम से नहीं जप हो रहा है तो भी छोड़ो, जप हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। नहीं है प्रेम, नहीं है नाम में उतना अनुराग, हो जाएगा जपते 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 जपते। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दसि दसहु। तो आद्य शंकराचार्य भगवान के अनुसार तो वो यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि वाली जो बात है, इति भगवत वचनात् महांश्चासौ यज्ञश्चेति महायज्ञः। महान यज्ञ और सब यज्ञों में यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि के अनुसार ये महान यज्ञ है जपयज्ञ। महान्तो यज्ञाः यस्य पूजात्वेन विधीयन्ते सः महायज्ञः। जिनके यजन के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता है ऐसे प्रभु महायज्ञ। शिव रहस्यानुसार जपेश्वर ऋषि ने इस नाम मंत्र को जपा। मुझे लगता है वो उड़िया बाबा वाली बात में वो जो आदमी था वो युवा साधु भी जपेश्वर ऋषि रहा होगा। तो इस नाम मंत्र को जपा, ओम महायज्ञाय नमः। और इसको जपने से जपेश्वर ऋषि को सभी यज्ञों का फल प्राप्त हुआ। महायज्ञो महाहविः, महायज्ञो महाहविः, महाहविः। ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने योग्य प्रपंच रूप हवि जिनका स्वरूप है ऐसे महान हविः स्वरूप। यज्ञ उनका रूप है, वो महान यज्ञ स्वरूप है, उनके जैसा महान यजमान यज्ञ करता और कोई नहीं। लेकिन उस यज्ञ में जिसकी आहुति दिया जा रहा है वो भी उन्हीं का स्वरूप है, वो आहुति भी भगवद रूपी है। अच्छा, ये जो महायज्ञ जो हम कह रहे हैं ना कि महान यज्ञ विराट सृष्टि का वो निरंतर चल रहा है और वो भगवान का ही स्वरूप है और उसको करने वाले भगवान महायज्ञवा वो भी भगवान ही है, तो इसमें आहुति काहे की पड़ रही है। बोले प्रपंच रूप ये जो भी है सृष्टि उसी की आहुति किसमें? बोले परब्रह्म रूप अग्नि में। वो गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। महाग्नि महाकाल रूप और उसमें नाम रूपात्मक जो भी प्रपंच है
काल की अग्नि में आहुति पड़ रही है, महाकालाग्नि में आहुति पड़ रही है। एवरी मोमेंट नष्ट हो रहा है सब। एक समय ऐसा आएगा कि जितना नाम रूपात्मक ये प्रपंच है वो सब, लेकिन इस रूप में भी परमात्मा ने ही अपने आप को प्रकट किया, इसलिए तुमने कहा सब नाम रूप उसी के हैं और वो नाम रूप से रहित है, क्योंकि सिवाय उनके यहां कुछ भी नहीं है। महाहवि ही आहूयते इति हविहि, महांश्चासो हविश्चेति महाहविहि। जिसकी पूजा हो रही है, यजन हो रहा है, वो भी परमात्मा, और जिसके द्वारा पूजा हो रही है वो भी भगवान का ही स्वरूप। तो भागवत में सृष्टि की रचना की जो कथा हम सुनते हैं तो कहते हैं भगवान ने अपने से ही अपने अर्चना के सारे पूजा के द्रव्य बनाए, और फिर भगवान ने ही बताया सबको कि इन इन द्रव्यों से मेरी पूजा करो। इस प्रकार से करो, वेद के द्वारा ये भी बताया गया ना, इन इन मंत्रों का इन इन क्रियाओं में विनियोग होता है, कि इस मंत्र का प्राणायाम में विनियोग, इस मंत्र का वरुणावाहने विनियोग इत्यादि। तो ये बतलाने वाले भी भगवान, जिससे भगवान की पूजा होती है कैसे पूजा करना चाहिए ये बतलाने वाले भगवान, जिनसे पूजा होती है वो सब द्रव्य भी भगवान का ही रूप, क्योंकि सब भगवान से ही हुआ है, और उन उन द्रव्यों से और भगवान की बताई विधि से जिनका अर्चन होता है, जिनका यजन हो रहा है भगवान। तो महाहवि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ही, इसलिए हम कथा में वो चर्चा करते हैं ना कि जिस प्रकार ब्राह्मणों पर भगवान की कैसी कृपा, बोले कंकुम भी यजमान का, कंकु यजमान नु चोखा यजमान नन कपाड़े यजमान नु, ब्राह्मण यजमान नु ये तो खाली लिस्ट आपे, कंकु आटला ग्राम, अबिल आटला ग्राम, गुलाल आटला ग्राम, पानी यजमान नु पानी लाओ जो बेन यजमान ना ज घर नु पानी, यजमान ना घर ना कंकु मां घोड़ी, અને પછી યજમાનનું જ કંકુન કપાળે યજમાનનું ચાંદલો કરે અને ચોખા છોડે, ભાવ પોતાનો મંત્ર બોલે એની 101 રૂપિયા દક્ષિણા મળે, આ ભગવાનની ઓછી કૃપા કહેવાય? કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વગરનો ધંધો અને નફાની ગેરંટી, વધતો ઓછો હોય પણ નફાની ગેરંટી, 11 રૂપિયા હોય ને 101 હોય ને 1100 હોય એની ગેરંટી, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાંઈ નહીં। તો એસી હિ કૃપા ભગવાન કી સબકે ઉપર હૈ, જિસ જલ સે જિન ફૂલો સે જિન દ્રવ્યો સે ભી હમ ભગવાન કી પૂજા કરતે હૈ, વો તો ભગવાન કા હી બનાયા હુઆ, ભગવાન કા હી દિયા હુઆ, ઇસલિયે કહેતે હૈ ત્વદીયમ વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પય, लेकिन भाव अपना, वो विधि भी भगवान ने ही बताई है। तो ब्रह्म हवि ही, वो जो हवि है जिसकी आहुति दी जा रही है वो भी भगवान का ही रूप है। तो नाम मंत्र हो जाएगा ओम महाहविशे नमः, ओम महाहविशे नमः। शिव रहस्यानुसार सर्वप्रथम
चित्रपृष्ठ ऋषि ने खरेखर आ बदा नामों एवा छे एम ऋषि सहस्त्र नामावली आर वार थई जाए। चित्रपृष्ठ ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और इसको जपने से चित्रपृष्ठ ऋषि को यज्ञ फल और बंधन मोक्ष प्राप्त हुआ। महाहवि महच्च तद्धविश्चेति ब्रह्मात्मनि सर्वं जगत् तदात्मतया हूयत इति महाहवि। महाक्रतुरित्यादयो बहुव्रीहयो वा महान है और हवि है क्योंकि महा ब्रह्मात्मा में ही ब्रह्म भाव से संपूर्ण जगत का हवन किया जाता है, इसलिए महाहवि हैं अथवा महाक्रतुवादि नामों में वो बहुव्रीहि समास है, यानी महान है क्रतु जिसका, बहुव्रीहि समास। महाहवि तो जो हुत द्रव्य है वो भी भगवान का ही रूप है। महायज्ञो महाहवि महायज्ञो महाहवि तो मम 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 से शुरू होने वाले सारे नाम महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगह महाकृतुर महायज्वा महायज्ञो महाहवि। उसमें ब्र 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 था पहले वाले श्लोक में, ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय। कितनी सुंदर रचना है व्यास भगवान ने, क्या अद्भुत। अब आगे स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम् स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम् स्तुतिः स्तोतारण प्रियः स्तुतिः स्तोतारण प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः पुण्यकीर्तिरनामयः। स्तव्य स्तव प्रियः स्तोत्रम् स्तुतिः स्तोतारण प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनाम पुण्यकीर्ति ही अनामया। कितने नाम हो गए? ग्यारह। इसमें ग्यारह है, हरा एकोमोडेट करया। बेबी अक्षर ना जो तो लिफ्ट में जम पातला माना पांच माई जाए। नहीं तो त्रण में भराई जाए लिफ्ट, है ना जेवू छे। बंधारण तो एनु ये छे, ये 32 अक्षर आठ आठ के चार चरण। स्तव्यः वाह सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य। स्तव्यः स्तवम अर्हति इति स्तव्यः जो स्तवन के योग्य है या स्तोतुम योग्य है। स्तुति का जो विषय है स्तव्यः जिनका स्तवन होता है, सभी ने एक या दूसरे रूप में भगवान की स्तुति करी है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर स्तुनवंति दिव्यै ही स्तवई ही। स्तव्य है भगवान, स्तुति करने योग्य भगवान ही है, इसका तात्पर्य है। तो कई ऐसे संत महानुभाव होते हैं तो जो स्तवन करते हैं तो केवल भगवान का स्तुति भगवान की। अच्छा अगले में भगवान को देख करके कुछ कहा जाए तो बात अलग है, लेकिन बिना उस भगवान को देखे यदि छगन लाल को छगन लाल के रूप में ही देखते हुए सांसारिक स्वार्थों के चलते जो बखान किया जाता है वो तो चापलूसी है। तो हम कहते हैं ना बार बार कि स्तवन का अर्थ है यथार्थ गुणों का वर्णन, और वे सब भगवान के।
स्तुति। तो ये स्तुति के योग्य है, अतः इनका नाम है स्तव्य। ओम स्तव्याय नमः। ओम स्तव्याय नमः। मन ही मन आप अपने चित्त रूपी तुलसी पत्र को चित्तम पत्रपम में ऐसे वो करके ऐसे ऐसे शब्द याद आते हैं तो अपना चित्त रूपी तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करते ओम स्तव्याय नमः। ओम स्तव्याय नमः। शिव रहस्य के अनुसार चित्र जल परिषि ने इस नाम मंत्र का जप किया और जपने से चित्र जल परिषि को वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। यह मंत्र वैकुंठ लोक प्रद है। स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्। स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्। स्तव प्रियः स्तुति प्रिय भक्ति प्रियो माधवः। भक्त्या तुष्यति माधवः। तो स्तुति प्रियो विष्णु ये कहा जाता है ना। स्तुति से प्रसन्न होने वाले भगवान स्तव्य है। स्तुति करने के योग्य भगवान ही है और यदि कोई स्तुति करे जो स्तुति करने योग्य है उसकी जो स्तव्य है उसकी स्तुति तो भगवान को प्रिय है वो। स्तव प्रिय इसलिए हम जो चर्चा करते हैं ना कि इसका मतलब भगवान को अपना बखान सुनने की आदत हो गई है ये बात नहीं। भगवान तो है पृथु भगवान की स्तुति करते थे तो मना कर दिया। मना कर दिया लोके दुना अस्पष्ट गुणस्य में से आता जुगुप्सितम नस्तवयन्ति सभ्या। मेरे कुछ गुण प्रकट हो बाद में करो। स्तुति करने योग्य कोई हम काम करे उसके बाद में करो अभी नहीं। पृथु भगवान ने रोक दिया स्तुति करने वालों को। तो जिनकी स्तुति करने योग्य है जो स्तव्य है उसकी यदि कोई स्तुति करे तो ये भी भगवान को प्रिय है ये अर्थ लगाना चाहिए कि भगवान को केवल अपना ही बखान और अपनी स्तुति सुनने से प्रसन्नता होती है और वो आदत हो गई है। घना ने वखाण हांबड़वानी आदत थी जाए वखाण ये जनु पेट्रोल पाचा न करो तो पेट्रोल खूटी जाए गाड़ी ना हाले। અને પોતાના જ વખાણ સાંભળવાની આદત હોય અને એની સામે બીજાને વખાણ કરો ઠીક હવે એવી ઓલી આવે એ વાલી બાત નહીં હે ભગવાન મેં એટલે હમારે ભગવાન વો શિશુપાલ કી ગાલી ભી સુન લેતા હૈ ઉસકા તો અભ્યાસ હૈ। हमने चर्चा करी थी ना पुराणों में कथा है कि ये सभी राक्षस कैसी कैसी बातें करते हैं क्या क्या सुनाते हैं कैसी कैसी गाली देते हैं। अरे राक्षसों तो गाली आपे देवताओं इंद्र के यज्ञ का भंग कराया भगवान कृष्ण ने और अभिमान में आकर के अंधे इंद्र ने जिस तरह से क्रोध में भरकर गालियां सुनाई है कृष्ण को वो भागवत में लिखी है लेकिन उन श्लोकों को पढ़ने में भी थोड़ा कष्ट होता है कि हमारे भगवान के लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है इंद्र क्या कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रो देवहेलनम। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य तो इसलिए हमने निश्चय को याद किया था कि आई डोंट एक्सेप्ट एंड आई डोंट बिलीव इन दैट गॉड जो अपनी स्तुति ही सुनने का आदि और आग्रही हो। हमारा भगवान ऐसा नहीं है।
और जो स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति करो तो हमारा भगवान बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति प्रियो विष्णु। तो जो स्तव्य है उसकी, जो स्तुति करने योग्य है, स्तोतुम योग्य है, उसकी स्तुति करो तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि स्तुति करने योग्य की स्तुति नहीं करोगे तो जो स्तुति करने योग्य नहीं है उनकी करनी पड़ेगी, समय इतना खराब आ जाएगा। तो स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति करो, ताकि वो तुलसी को पानी देना है और तुलसी को पानी नहीं दिया और तुलसी वन चली गई, बावड़िया उक्ष है, खड़ उक्ष है। तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा है, तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास। क्या है आगे तीसरा, कृपा भई रघुनाथ की, ऐसा कुछ है तीसरा चरण। तो इसके चलते तुलसी तुलसी दास, इसके चलते ये तुलसीदास हो गया और तुलसी की महिमा बढ़ गई। बाकी तो मुझमें मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर। ये दैन्य वैष्णव में होता है, ये भक्त में होता है। तो जो स्तव्य है स्तोतुम योग्य है उसकी स्तुति करना, जैसे तुलसी की पूजा करना, तुलसी को पानी देना, ऐसा है तो भगवान को बहुत प्रसन्न है। तो इसलिए हम वो जो अवार्ड समारोह में भी जो बात कहते हैं बार बार, वो श्लोक कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रम, पूजनीय की पूजा न करी जाए और अपूज्य का पूजन किया जाए। तो जिनमें जो बातें स्तुति करने योग्य है वो निश्चित रूप से स्तुति करने योग्य है, नेमा वहां थबड़ वो पड़े। तो हमारे भगवान जो स्तुति करने योग्य है उनकी यदि कोई स्तुति करे तो भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हकीकत में वो जो स्तुति करने योग्य वस्तु है अगले में वो भगवान का ही रूप है। वही स्तुति करने योग्य तत्व है उसमें, वो भगवत रूप है और उसकी स्तुति करी जाती है तो स्तव प्रिय भगवान प्रसन्न होते हैं। स्तव प्रिय स्तुति स्नेहवश होती है, स्वार्थवश तो चापलूसी होती है, स्तुति स्नेहवश होती है। और स्तुति करने से प्रेम के द्वारा प्रभु पुष्ट होते हैं, इसलिए भागवत का तो स्तुति भाग देखो कितना बड़ा है। हमने कहा ना वो पांच भौतिक, कई चर्चा करी थी कि पांच भौतिक जिस प्रकार शरीर है, जल पृथ्वी वायु तेज आकाश, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का ये जो अक्षर विग्रह है उसमें भी इन पांच चीजों का समावेश है। उसकी चर्चा हम करते ही हैं कि इसमें चरित्र है, इसमें उपदेश है, इसमें रूपक है, इसमें स्तुति है और इसमें गीत है। तो उन पांचों का संबंध यदि उन पांचों से, आकाश वायु जल तेज पृथ्वी से लगाओ जोड़ो, तो मैं कहूँगा कि जो स्तुति भाग है वो जल है, उसका संबंध जल से। पलड़ेला होए नहीं भिंजाएला होए, पलड़बुन भिंजाओ ए बेमशु पर है भला, पलड़ू ने भिंजाऊ एम शू फेर, हाजी पलड़ू बालो एम के तमे क्यों ही भाई श्री आपने काय वांदो नथी साहेब भणावता था ने एक छोकरो हुई गयो निशाल मा के हूँ भणावू छू अन तू झोला खाए छे ऊंघे छे એ કે સાહેબ મને તમારામાં વિશ્વાસ છે, તમે જે કયો એ સાચું જોય એમાં કોઈ સવાલ જ નથી સાહેબ, તમારે ભરોસે અમે તો હુતા છીએ સાહેબ,
साहेब कोई भी खोटो बोले नहीं, आप जो कह रहे हो सब सच। बाला भाई अरे अरे नहीं, हम तो होशियार छो, हम लागे बाल कृष्ण। अबे 52 वर्ष ना थे हमारे बाल कृष्ण, कितना थे? 55 बस, सॉरी भाई 3। लेकिन तुम ऐसे ही जवान रहो, वो अंदर का बालक, जिस प्रकार बाल कृष्ण को दूध दही सब बहुत ज्यादा प्यारा था, माखन अपने आने दूध बहु प्यारो चा पीवे नहीं दूध, पण दूध पीवे एटले अमेरिका में होइए स्त्री एटलो सरस करे कपड़ा ने, मैं तो मारी बेग पेक करे एटले आना जेवी पेक परफेक्ट, अने एकदम समय थी उठी जवानो, मने उठाड़ी जवानो, आ करवानो ते करवानो, क्यारे क्यारे बाला भाई अने भरत भाई बन्ने साथे होय अमेरिका में केनेडा में नहीं, बेग बहु सरस पेक करे अने स्त्री बहु सारी करे, पण अने वारे लगाड़े मतलब हरखी रीते करे, અને ઇસ્ત્રી કરતો હોય ત્યારે એની પાસે દૂધનું કેન જોઈએ, અમેરિકામાં તો તમારે એ સારું છે દૂધનું કેન મળે આવડો મોટો, તો 1.5 કલાક ઇસ્ત્રી ચાલે તો કેટલું પૂરું થઈ જાય ભલે દૂધનું કેન, અચ્છા બીજું કાંઈ એને ઓલા કોલ્ડ ડ્રિંક ને આન તે ને એવું બધું ને ચા ને કોફી ને એવું નહીં, બાલ કૃષ્ણ છે ભાઈ એસી વેસી થોડી વાત, એ તો સારું છે માખણ નથી ખાતો, નહીં તો એનો લોંધો લઈને બે હતી સ્ત્રી કરવા, હા તો ક્યાં બાત થી આપની પલળવું એટલે બહાર થી, બહાર થી જે ચામડી પલળે પાણી પડે એ બહારની પ્રક્રિયા છે, ભીજાવું એ ભીતરની પ્રક્રિયા છે, ભીતર ભીંજાણા વિના ભક્તિ ન ભાવે, પલળવું અને ભીંજાવવું એમાં શું ફરક? વરસાદ આવે અને તમે ભાગો તો એ પલળી ગયા એમ તમે કહો, એક એ ભાવ છે, આપ જો કહે રહે હો વો ભી સહી હે ઉસકે ઉપર ભી જાયેંગે, પણ મન વગર માથે પાણી પડે ને પલળી ગયા, અને તમે પોતે દિલથી બહાર નીકળો ને વરસાદમાં જાઓ એ ભીંજાયા। દૂસરી વાત જો ઇન્દ્રજીતભાઈને કહા કે પલળવું એ બહારની પ્રક્રિયા, એ ચામડી ભીની થાય એ પલળ્યા કહેવાય, અને ભીંજાવવું એટલે અંદરથી ભીતર રે ભીંજાયા વિના, એટલે ભક્તિની વાત આવે ત્યારે વિનાશ ભાવની વિનાશ, તો એસા સ્નેહ હૈ એસા ભાવ હૈ એસા પ્યાર હૈ જહાં, ઓર उससे फिर वो जो स्तवन निकलता है तो स्तुति भाग जो है भागवत का उसको जल के साथ उसकी तुलना करेंगे 5 महाभूतों में, और जिस प्रकार पृथ्वी पर और हमारे शरीर में जल का ही हिस्सा अधिकांश है, अधिकांश जल का हिस्सा है, उसी प्रकार भागवत का स्तुति भाग बहुत बड़ा है जल रूप है, और जस जल का गुण है रस, तो यही रस है भागवत का, रसमालयो मुह रहो रसिका भुवि भाव का, निगम कल्प तरुर गलितम भलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहु रहो रसिका भविभाव का। तो शरीर में जल ही मुख्य है, जल का हिस्सा थोड़ा सा भी कम हो जाए, निश्चित मात्रा से थोड़ा कम हो जाए और कमजोरी, और उससे भी ज्यादा कम हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। बाकी पृथ्वी वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाए तो कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। हमना तो मैं वजन उतारू, कांग्रेचुलेशंस। हारू से आपड़ी पृथ्वी फूलती नहीं। नहीं तो धरती माने के एक माँ तमारू वजन वधी क्यों लागे है हमना, क्या बेटा हमना न थाती कसरत के काई अन खावाम ध्यान रहतु नथी बहु भावे एम पछी केरी नी सीजन आवी। तो पृथ्वी वाला हिस्सा यदि बढ़ जाए, वायु बढ़ी जाए तो ही तकलीफ। तो जल वाला जो हिस्सा है शरीर में वो अधिकांश बहुत बड़ा है। तो श्रीमद् भागवत में भी स्तुति भाग बहुत बड़ा है और उसी के चलते रस है। वो स्तुति प्रेम के चलते, भाव के चलते, भक्ति के चलते, स्नेह के चलते। और यही बात है कि बाकी वाली कथाएं तो अन्यान्य पुराणों में भी मिलेगी जो भागवत में है। कई ऐसी लीलाएं हैं जो कॉमन है, कई ऐसे कथा प्रसंग है जो अन्यान्य पुराणों में भी है, लेकिन भागवत का जो स्तुति भाग है वो भागवत का ही है, ये उसका वैशिष्ट्य है। तो स्तव्यः स्तव प्रियः स्तुति स्तुनवन्ति दिव्यै स्तवैः, दिव्य स्तवनों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत सब देव। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैः स्तवैः, अच्छा लगता है भगवान को, प्रसन्न होते हैं। स्तव प्रिय, तो उससे वास्तव में भक्त के अंदर का ही प्रेम पुष्ट होता है। इसलिए किया करो स्तुति करने जो योग्य है। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है कि वो वेस्टर्न कल्चर में तो वी होप एंड वी विश के एकदम कहने के लिए, नाटक करने के लिए नहीं, लेकिन हकीकत में प्यार है तो फिर कार्ड लिखेंगे, बर्थडे विश करेंगे, ये वाला समय तो ये विश करेंगे, और नहीं तो यूं ही ये वैलेंटाइन डे की थोड़ी राह देखते हैं। कुछ भी लव एंड अप्रिसिएशन वो कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, कार्ड भेजते रहेंगे, फ्लावर्स विदेशों में तो ये बहुत, फ्लावर्स भेजे जाए या तो फ्लावर्स दिए जाए, ओ वाओ थैंक यू, नहीं थैंक यू एम नहीं, वो थैंक यू कहने में एक उनका उद्गार, ओ वाओ थैंक यू। गद गद। स्तुति प्रियो विष्णु। निष्कपट होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। जो स्तव्य है उसकी स्तुति भगवान नारायण को प्रसन्न करती है। स्तव प्रिय नाम है भगवान का। सात्वत तंत्र के अनुसार सर्वप्रथम चित्रकंठ ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा। क्या नाम मंत्र होगा? ओम स्तव प्रियाय नमः। ओम स्तव प्रियाय नमः।
इससे चित्रकंठ ऋषि को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ये वैकुंठ लोक प्रद है। स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्। स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्। वाह, स्तोत्रम्, जिसके द्वारा भगवान का स्तवन किया जा रहा है वह स्तोत्र, वो भी भगवान ही है। इस प्रकार का स्तोत्र, इस प्रकार का स्तवन भगवद रूप है। कितने स्तोत्र भगवद रूप है। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम्, जिसके द्वारा भगवान की स्तुति करी जाती है वह शब्द श्लोक समूह अच्छा, स्तुति गद्य में भी हो सकती है लेकिन वो स्नेह सहज ही पद्यात्मक जब बन करके प्रस्फुटित होता है, अलग अलग छंदों में, तो वो प्रामाणिक स्तुति, वो प्रेमपूर्ण स्तवन, वो स्तोत्र भगवान का ही स्वरूप है। तो स्तव्य भी भगवान है, स्तव्य का स्तवन भगवान को प्रिय है, अतः स्तव प्रिय है, और जिससे स्तुति हो रही है वो स्तवन भी, वो स्तोत्र भी भगवान का ही स्वरूप है। स्तोत्रम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। इसलिए तो इन स्तोत्र रूप ही सभी ग्रंथों की बड़ी महिमा है। अथ श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, अथ श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य, श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य, नारद ऋषि, ये सब स्तोत्र मंत्र है। स्तोत्रम्। भगवान देवादिभिः सर्वैः ईड्यः, तस्मात् स एव स्तोत्र शब्दवाच्यः प्राधान्येन। भीतर बैठे हुए ये स्वयं ही स्तोत्र प्रकट करते हैं, या तो स्तोत्र रूप में प्रकट होते हैं परापश्यन्ति मध्यमा और वैखरी बन करके, ये भी प्रागट्य है ना भगवान का, नाद से लेकर के फिर कंठ से, विशुद्ध चक्र से, और फिर वैखरी बन करके प्रकट होना, जिह्वा दांत तालु सबको, कंठ सबको काम पे लगाकर और एक रूप बनना स्नेहपूर्ण, और जिसमें सत्य जिसका प्राण है, ऐसा स्तवन, उस स्तोत्र के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। देखो भागवत में ध्रुव जी भगवान जब प्रकट हुए तो दर्शन करके गदगद हो गए, धन्य धन्य हो गए, रोमांच हो आया, आंख में आंसू बहने लगे, हाँ, लेकिन भगवान का स्तवन नहीं कर पाए, कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, समझ के बोलना चाहता है, ये कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, और ऐसा होता है। अपने आराध्य, अपने प्रियतम जब अपने सामने अचानक प्रकट हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो कहते अरे हमारी तो बोलती बंद हो गई, बहुत कुछ कहना चाहते थे, क्या क्या नक्की करके आए थे, लेकिन सब कुछ भूल गए, उस आनंद में डूब जाते हैं। तो ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए,
अंतर्यामी प्रभु ने ये जाना, अपने शंख का ध्रुव के कपोल को स्पर्श कराया और फिर देखो स्तोत्र के रूप में, स्तुति रूप में भगवान प्रकट हो गए, परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी के रूप में। ये जिस प्रकार निराकार का साकार होना है उसी प्रकार से स्तोत्र के रूप में ये भगवदावतार है, स्तोत्रावतार कह लो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तोत्रावतार, स्तोत्रम, स्तोत्र के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। किसी के प्रति द्वेष से भर गए हो तब तो गाली प्रकट होती है, देव दानव वहीं से प्रकट होते हैं ना, समुद्र मंथन से ही अमृत और विष दोनों प्रकट होते हैं। तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तो तदनुसार गाली, निंदा, ये प्रकट हो जाएगा। और नहीं तो प्रेम है, स्तुति, स्तोत्रम, स्तोत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ओम स्तोत्राय नमः। ओम स्तोत्राय नमः। परमानंद तंत्रानुसार सर्वप्रथम छंदोग ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और इसको जपने से छंदोग ऋषि को परमानंद प्राप्त हुआ। यह मंत्र परमानंद प्रद है, अतः स्तोत्र पाठ करना, भगवान के साथ रहना, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ कर रहे हैं कि राम रक्षा स्तोत्र जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आदि आदि स्तोत्र पाठ का करना, ये स्तोत्र रूप श्री हरि के साथ रहना ठाकुर जी की सन्निधि का ही भाव है ना ये। अब कहते हैं कि भाई आप हमारे घर पधारो, अपना पगला थाए, हमारो घर पवित्र थाए। किसी महापुरुष के प्रति ऐसी श्रद्धा हो जाती है और उसको पधराते हैं अपने घर में, उनके पावन चरण पधारते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा घर पवित्र हो गया। तो स्तोत्र के रूप में जब श्री हरि भीतर पधारते हैं तो तुम्हारा अंग अंग पवित्र हो जाता है, उसमें क्या आश्चर्य। इसलिए स्तोत्र पाठ करते रहना चाहिए नियम पूर्वक। तो स्तोत्र रूप श्री हरि पधारते, क्या क्या सुंदर भाव है देखो भगवान के एक एक नामों में। स्तुति ही स्तोतारण प्रियः, स्तुति ही स्तोतारण प्रियः। स्तुति ही यानी वो स्तोत्र पाठ की जो क्रिया है, स्तवन की जो क्रिया है, ये भी भगवान का रूप है। वो जो स्तोत्र पाठ आप कर रहे हो, वो जो स्तवन निकल रहा है भीतर से, ये भगवान का रूप है। तो स्तुति ये भी प्रभु का रूप है। तो स्तुति करना ये भी भगवत दर्शन या भगवान के साथ रहना, स्तुति क्रिया। अच्छा, स्तोत्र तो लिखा हुआ पुस्तक में भी है, ये बोलो पाठ करो, मानसिक रूप से भी पढ़ लेते हो, पाठ कर सकते हो, ठीक है, बोलो ना। विष्णु सहस्रनाम को पढ़ना और विष्णु सहस्रनाम पाठ, अच्छा केवल नेत्रों को देखते हुए भी मन से पाठ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बोल करके करना। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभुः।
ये जो शब्द बन करके मुख से प्रकट होती है बात। गुरुदेव, ऐसा है कि व्याकरण की दृष्टि से पाठ शब्द का मतलब ही यही होता है कि जो बोलकर किया जाए, वही पठन है, क्योंकि पठ व्यक्तायाम वाची, अव्यक्त पठ व्यक्तायाम व्यक्तवाणी। हाँ, देखो कितना सुंदर भाव, तो व्यक्त होना चाहिए तब पठन कहा जाएगा। स्तुति ही स्तवन क्रिया स्वरूप स्तुति, नाम मंत्र हो जाएगा, ओम स्तुतये नमः, ओम स्तुतये नमः। यह मंत्र शिव रहस्यानुसार छिक्कर ऋषि ने जपा और जपने से उनको वांछित फल की प्राप्ति हुई, तो यह मंत्र इच्छा पूरक है। स्तुति ही स्तोतारण प्रियः, स्तुति ही स्तोतारण प्रियः। स्तोता याने जो स्तुति कर रहा है, वह स्तुति करने वाला वो है स्तोता, स्तुति करने वाला स्तोता, भले ही तोता की तरह पढ़ रहा हो लेकिन वो स्तोता यदि पाठ करे प्रेम से, नहीं रामायण का भी लोग गा करके पाठ करते हैं, बिल्कुल व्यक्त अकेले ही बैठे होते हैं, मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी हर्षि सुदासम गिराऊ। हम कई आश्रमों में जाते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, तो कहते हैं हमारे यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, जैसे श्री राम जय जय राम, इस नाम मंत्र का संकीर्तन अखंड, ऐसे कई स्थान पोरबंदर में भी अपने हैं, और जामनगर वाले केंद्र का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। उसी प्रकार रामचरितमानस का अखंड पाठ, मेरे ख्याल से यदि मैं भूलता न हूँ तो सप्तशती चंडी पाठ अमरकंटक में बाबा जी के आश्रम में अखंड अखंड, एक पाठ पूरा हुआ फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरे के द्वारा फिर तीसरा शुरू हो जाएगा, सप्तशती के अखंड पाठ वहां हो रहे हैं। तो ऐसी स्तुति करने वाला जो स्तोता है वो भी भगवान का ही रूप है, वो बोलने वाले भगवान ही है। स्तोता स्तौति इति स्तोता, स्तोत्र मुखेन स्वयं एव स्वस्य स्तावकः स्ताता विष्णुः। या तो भक्त के रूप में भगवान स्वयं अपनी ही स्तुति कर रहे हैं, या तो भक्त की भी स्तुति, अच्छा भगवान भी स्तोता है, स्तुति तो भगवान भी करते हैं, शबरी की स्तुति करी कि नहीं, एक अर्थ में शबरी की स्तुति करी है भगवान। स्तोता तो भाई ये जब अद्वैत सिद्ध हो जाता है कि स्तव्य जो है और स्तोता जो है वही है सब, तो फिर वही एक अनेक रूपों में प्रकट होकर के ये जो प्रेम पूर्ण लीला है उसके चलते इतने सारे नाम बन जाते हैं, इतनी सारी भूमिका उसकी बन जाती है, तो फिर स्तुति वही है, स्तोत्र वही है, स्तोता वही है, स्तव्य वही है, ये सब एक सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब सर्वम विष्णुमयम जगत। तो नाम मंत्र बन जाएगा, ओम स्तोत्रे नमः, ओम स्तोत्रे नमः। शिव रहस्यानुसार सर्वप्रथम मांडव्य गोत्रोत्पन्न छिलिहिंट ऋषि ने
कुछ हिंट किया छिलहिंट ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और जपने से छिलहिंट की तपोवृद्धि हुई। तो यह मंत्र तपोवर्धक है। स्तुति स्तोतारण प्रियः स्तुति स्तोतारण प्रियः रण प्रियः। रण का सीधा साधा अर्थ होता है युद्ध। युद्ध में प्रेम करने वाले रणप्रिय। अर्जुन पछी उतावड़ो थी ने आयो कुरुक्षेत्र मैदान में। महाराज रथ ने बे सेना वच्चे लई जयु भो करो। जोई लऊ बधाने हूं के मारे कोने जोई लेवाना छे देखना चाहता हूं मैं सबको। कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। और जैसे ही प्रतिपक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखा, गुरुजनों को देखा, पानी में बह गयो। ये पानी थी कोई तीर्थ बनी हो कि नहीं नहीं एना थी जो कोई, कारण के पुराणों में भी केटली कथाओ है कि पसी करदम ऋषि भगवान प्रकट हुए तो भगवान की भावपूर्वक स्तुति करने लगे तो उनकी आंखों से अश्रु का बिंदु गिर गया तो उस अश्रु बिंदु से सरोवर हुआ, वो बिंदु सरोवर है। कि गाय ने भगवान के ऊपर दुग्धाभिषेक किया और उससे जो कुंड बना वो गोविंद कुंड है। और ऐरावत हाथी ने जो आकाश गंगा के जल से भगवान के ऊपर अभिषेक किया तो उससे जो तीर्थ बना तो मानसी गंगा है आदि आदि। तो अर्जुन पानी में बह गयो पर से वो बढ़ो ने ने परसेवो वळ्यो भाई। एवं छे गीता में चामड़ी में दाह थवा मांड्यो, गांडी हाथ मांथी छूटी गयो। कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा जिन्होंने की है उनको पता है कि मानसरोवर में तो लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन मानसरोवर से कुछ ही किलोमीटर दूर वहाँ उसी भूमि में एक दूसरा भी सरोवर है, उसको कहते हैं राक्षस ताल। तो कहते हैं राक्षस ताल में नहाएंगे तो पुण्य धुल जाते हैं सब, गियु बधु पुण्य पानी में। नहीं बोले हिंदी में एक बढ़िया वाला शब्द गई भैंस पानी में सब पानी में। तो ऐसे तो कोई पुराणों में ऐसी कथा नहीं है कि अर्जुन को जो पसीना पसीना हो गया और ये जो मतलब पानी में बही क्यों ए अर्थ में, पण एवं कदाच कहीं बन्यु होत कहीं कुंड तड़ाव कहीं पण, अने मां भूले चुके जो कोई नाय तो एनु फल एज होई शके के मणनी हिम्मत गुमावी दे, अकर्मण्य थई जाए, पाणी मां बही जाए। तब रणप्रिय कृष्ण वहां है, भगवान वहां है। तस्मात युद्धस्व कह करके अर्जुन को युद्ध के लिए वे प्रेरित करते हैं। अब कल हम चर्चा कर रहे थे कि शंबर हमने कहा ना शंबर की व्युत्पत्ति क्या होती है, तम शंबर कामरूपी। शंबरासुर के साथ भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी ने युद्ध किया और शंबरासुर को खत्म किया। तो हमने आध्यात्मिक दृष्टि से तो चर्चा करी कि प्रद्युम्न धर्म सम्मत काम है और शंबरासुर धर्म विरुद्ध काम है, लेकिन शंबर शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या हुई व्युत्पत्ति? शंब शंब युद्ध और शंबे रतः युद्ध है युद्ध और रतः र रतः, उसमें जो रथ है बाधवा मा रथ हमारे भरत भाई के तो बाधोकड़ो तो भगवान एवं बाधोकड़ा नहीं, रणप्रिय
કાલડ કાલડવા વાળો દે. એસી બાત નહીં, લેકિન જહાં યુદ્ધ કરના જરૂરી હો જાતા હૈ, જહાં યુદ્ધ કલ્યાણકારી હોતા હૈ, પાર્થને કહો ચડાવે બાણ હવે તો યુદ્ધ એજ કલ્યાણ. જહાં યુદ્ધ અનિવાર્ય હોતા હૈ, જહાં યુદ્ધ કલ્યાણકારી હો જાતા હૈ, એસા યુદ્ધ એસા સંઘર્ષ કરને કે લિયે સદા પ્રસ્તુત રણપ્રિય. હવે એવું કાંઈ સમજાયું હશે જ્યારે દુર્યોધન અને અર્જુન બે ગયા મદદ માગવા માટે, એટલા બધાય નહીં હંપીને રહ્યો, નહીં કે બે આવ્યા છો ભાઈ, બે ને મદદ કરીશ. સીધી યુદ્ધની જ વાત, આગળ કેમ વધવું, મેન ઓફ એક્શન. ઓલું બધું જે હતું એ તો થઈ ગયું, બધું દ્રષ્ટિ કરી લીધી, ફેલ ગયું બધું, હવે તો પાક્કું થઈ ગયું છે, તો બસ હવે આગળ વધો, પાક્કું થઈ ગયું છે. કૃષ્ણ ડિસિઝિવ બહુ, મેન ઓફ એક્શન, કે બોલો તમે બે આવ્યા છો, મારે બેયનું સાચવવું પડે, બેયનું જોવું પડે. અને આપણે કહીએ ને દુર્યોધન પાછા કૃષ્ણના વેવાય થાય, દુર્યોધનની દીકરી કૃષ્ણના ઘરમાં આવી અને દીકરા વેરે વરી છે, મારીને વેવાય બનાવ્યો હતો, એ વાત જુદી. એક પક્ષમાં મારી નારાયણી સેના રહેશે સશસ્ત્ર, અને બીજા પક્ષમાં હું એકલો રહીશ ને શસ્ત્ર, હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ નહીં કરના, એ મેરી પ્રતિજ્ઞા હૈ. હમણાં અડવાનું નથી કઈ શસ્ત્રને, હું એક વર સુધી. તો શ્રી કૃષ્ણ કો માંગ લિયા અર્જુનને, और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया जब उसको नारायणी सशस्त्र सेना मिली. तो मतलब रणप्रिय भगवान ने तरत गोठवणी चालू कर दी थी, हम करो कंकु ना, एम हम एम कंकु ना के लोई ना, तो क्योंकि वहां तो कुमकुम रक्त ही, क्योंकि जब युद्ध में जाता है ना तो हमारे यहाँ क्षत्राणी वो कटारी से अपना वो काट करके और फिर खून का तिलक करती, ऊर्ध्व तिलक, विजय तिलक करो कंकुना रणप्रिया. अरे स्वयं देवी मां भी ऐसे रणप्रिया, रणे चढ़िया मां, सोल सजी शणगार, અંબા માવડી રે રણે ચડ્યામાં સોળ સજી શણગાર, રણે ચડ્યામાં સોળ સજી શણગાર, ઘોર અંધારી રે રાત લડીમાં નિશ્ચર રસવાર, ઘોર અંધારી રે રાત લડીમાં નિશ્ચર રસવાર. તો સ્વયં માં કે ભી રણાંગણ મે ઔર રણપ્રિયા ઉસમેં કોઈ આલસ્ય યા તો વો બે મન વાલી બાત નહીં. અબ જબ યુદ્ધ હોતા હૈ સીમા પર તો વો જો સિપાહી હૈ હમારે સોલ્જર્સ મિલિટરી મેં થનગનતા હોય, હવે એને બોલાવો આવે ને જવું પડશે, મારું નોકરી તો સારી હતી પણ હવે તો આ થનગ નહીં. મુજે આજ ભી યાદ હૈ કે કારગિલ વાલા યુદ્ધ શરૂ હો ગયા થા અપના, મેં
केदार की कथा पूरी करके बद्रीनाथ हम गए थे, और केदार कथा में जैसा मैंने कई बार कहा है, अटल जी आने वाले थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और ये सब हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का पूरा दौरा रद्द हुआ, और हम केदारनाथ की कथा को विराम दे करके भगवान केदारनाथ को प्रणाम करके बद्री की ओर गए, भगवान बद्रीश्वर का दर्शन किया, और फिर वहाँ से आगे गए क्या व्यास आश्रम और उस तरफ देखने, तो वहाँ से ज़रा सीमा फिर नज़दीक पड़ती है वो चाइना वाली, तो वहाँ एक जगह जाने के बाद फिर हमारे सिपाही वहाँ रहते हैं, तो आगे जाने के लिए फिर दो सिपाहियों को हमारे साथ, दो सोल्जर्स को भेजा गया कि भाई आपको ले जाएंगे वहाँ। तो जब हम वापस लौट रहे थे तो उन दोनों ने प्रणाम करके एक चीज़ मांगी। अब मेरिट कैंट के थे और नए नए भर्ती हुए थे, अभी थोड़ा ही समय हुआ था, 3-4-6 महीना हुआ होगा, बिल्कुल नए फ्रेश सोल्जर, ट्रेनिंग के बाद पूरी योग्यता से पास होकर पूरी प्रक्रिया के अनुसार अपनी योग्यता सिद्ध करके और सोल्जर के रूप में भर्ती हुए थे हमारी सेना में, तो नए नए थे, तो प्रणाम किया और मुझे कहते हैं आशीर्वाद दीजिए हमको कि हमको कारगिल से बुलावा आए, हम राह देख रहे हैं, ऊपर से आदेश आए कि कारगिल की सीमा पर हाजिर हो जाओ। थनगने એટલે આપણા ગુજરાતમાં કેટલા લખાણા છે, પેલા સિંધુડા રાગમાં જ્યારે ગવાય ગઢવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવ, ધડ ધીંગાણે ને જેના માથા મસાણે એના પાળિયા થઈને પૂજાવું ગઢવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવ, એ બીજા બધા ગીત એટલા નથી ગમતા, એ સિંધુડા રાગમાં જ્યારે બુંગીઓ વાગે ઢોલ વાગે અને યુદ્ધ માટેની આમંત્રણ પત્રિકા જાણે છે, રણપ્રિય, તો અમારે સ્વયં ઠાકોરજી રણપ્રિય હૈ। જબ કલ્યાણ કે લીએ યુદ્ધ કી બાત આતી હૈ, સંઘર્ષ કી બાત આતી હૈ, તો ભગવાન તૈયાર હો જાતે હૈ ઓર તૈયાર કરતે હૈ, અર્જુન કો તૈયાર કિયા રામજી ને, જીતના हो सके प्रयास किया युद्ध को टालने का। हनुमान जी गए रावण को समझाया नहीं समझा, अंगद गए विष्टि के लिए रावण को समझाया नहीं समझा, रावण को रावण वालों ने समझाया नहीं समझा, और तब जब युद्ध अनिवार्य हुआ तब फिर राम का उत्साह देखो, लक्ष्मण का उत्साह देखो युद्ध के लिए, वो बेमन से लड़े ऐसी बात नहीं, टालने का प्रयास करने का तात्पर्य यह नहीं कि युद्ध से भागते हैं, युद्ध को टालने का प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन फिर जब अनिवार्य हो जाए तो जग कल्याण के लिए युद्ध। प्रजातंत्र का युद्ध कुछ अलग ढंग से लड़ा जाता है, तो अब जो चूंटनी डिक्लेयर थी गई, અને જો બધા કે ઉત્સાહ તો તમે જો, અમને ટિકિટ આપો અમને ટિકિટ આપો, ઉત્સાહ જુઓ બધાનો, રણપ્રિય રાધે 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 રાધે। લેકિન ઉસમેં જગ કે કલ્યાણ કી બાત, રાષ્ટ્ર કે કલ્યાણ કી બાત હો, और ऐसा रण युद्ध जिसको प्रिय है, रणप्रिय, और इसलिए भगवान आयुध धारण करके रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म है प्रभु के हाथ में, रामः शस्त्रभृतामः, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं भगवान विभूति में कहते हैं, कृष्ण के भले ही मुरली बजाएं लेकिन उसके हाथ में सुदर्शन भी है, द्वारकाधीश जी का दर्शन करो शंख चक्र गदा पद्म,
हमारे प्राय सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, और जिसके हाथ में शस्त्र नहीं उन देवता के ज्यादा मंदिर नहीं, ज्यादा ब्रह्मा जी के हाथ में शस्त्र नहीं, शास्त्र ही है, माला ही है, तो ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर नहीं है। पुष्कर इत्यादि में जो गिनती के थोड़े मंदिर है, बाकी ज्यादा मंदिर नहीं। और एक बिना शस्त्र का देव, एक हमारा विठ्ठल देव विठ्ठलनाथ है, पंडरीनाथ, तो वो तो सब शस्त्र छोड़ करके भक्त पुंडलीक को दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गए हैं, तो वो रणप्रिय, लेकिन भक्ति प्रियो माधव, और भक्त उनको अति प्रिय है। अजय रण भी खेलते हैं तो भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए खेलते हैं, तो इसलिए उन उस भक्त के लिए जो भाग करके वहां गए पुंडलिक को दर्शन देने के लिए, और पुंडलिक ने ईंट फेंकी क्योंकि वो माता पिता की सेवा कर रहे थे, और भगवान उस ईंट पर खड़े रहे, वो तो निवृत्ति नहीं हुआ माता पिता की सेवा से, और भगवान राह देखते देखते थक गए, तो कहते हैं दोनों हाथ कमर पर रख करके थके हुए प्रभु देख रहे हैं, वाह तेरी माता पिता की भक्ति अद्भुत, मने ही वाट जोबड़ावे, हवे ईंट फेंकी एटले जवाय में नथी, बांधी दी दो, यह गच्छ यह तिष्ठ। तो विठ्ठलनाथ एक है हमारे यहां जो स्वरूप, बाकी तो देवताओं के पास भी शस्त्र है, पराम्बा भगवती देवी मां के पास भी शस्त्र है, उनके हाथ में भी शस्त्र है, और हम शस्त्रों की, आयुधों की भी पूजा करते हैं। सिख परंपरा में तो आयुध गुरु ग्रंथ के समक्ष वहां रखे ही जाते हैं। रणप्रिय, तो रणो युद्धम प्रियो यस्य सह, प्रियो रणो अस्येति रणप्रियः। तो डेमन्स को, दुर्जनों को, राक्षसों को, दैत्यों को दूर करने, दुर्जनता को समाप्त करने के लिए दे सदैव उत्सुक और सदैव तैयार। अच्छा, एक अर्थ ऐसा भी है कि रणो वेदात्मक शब्द प्रियो यस्य इति रणप्रियः। रण मतलब वेदात्मक शब्द जिनको प्रिय है, इसलिए वेदस्तुति भागवत जी में दशम स्कंद उत्तरार्ध में 87वें अध्याय में वेदस्तुति, रणो वेदात्मक शब्द वो जिनको प्रिय है रणप्रिय। शिव रहस्यानुसार सर्वप्रथम क्षेत्रमंड ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा, और जपने से क्षेत्रमंड सभा में विजयी हुए। यह मंत्र विजयप्रद है, स्वाभाविक रूप से ऋग्वेद में भी संकेतित है। स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्, स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम्, स्तुतिः स्तोतारण प्रियः, स्तुतिः स्तोतारण प्रियः, पूर्णः पूरयिता पुण्यः, पूर्णः पूरयिता पुण्यः। पूर्णः आगे वाला शब्द है, नाम है, समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से जो परिपूर्ण है वे है पूर्ण। भगवान सदैव पूर्ण है, इसलिए तो हम कहते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा ही पूर्ण है संसार में, बाकी सब अधूरे हैं, जीव मात्र अधूरे। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी समझ अधूरी है, हमारी शक्ति अधूरी है। अरे चाहे कितना भी धन हो तुम्हारे पास, भगवान के सामने क्या है, अपूर्ण ही है।
इसलिए उस पूर्ण की जब प्राप्ति होती है, उस पूर्ण की जब अनुभूति होती है, तब ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है, तब तक अपूर्ण ही है। तो परब्रह्म ओम, ये परब्रह्म रूपी कारण ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत रूपी कार्य ब्रह्म वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम, यह कारण रूप ब्रह्म पूर्ण है, और पूर्णम इदम, इदम से जगत, यह कार्य रूप है, तो कार्य रूप यह जगत कार्य ब्रह्म ये भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और पूर्ण से उत्पन्न पूर्ण है, और पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो प्रलय काल की बात आ जाएगी, प्रलय काल में भी पूर्ण यानी कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर के वो कार्य ब्रह्म को जो परब्रह्म है वो अपने में लीन कर देता है, तो पूर्ण ही अवशिष्यते, फिर पूर्ण ही बचता है। तो पूर्णो गुण ही पूर्ण सर्वगुण संपन्न पूर्ण अवतारा महाविष्णु सर्वे पूर्णा प्रकीर्तिता पूर्णश्च तत्परम रूपम पूर्णात् पूर्णा समुद्धृता। पूर्ण ब्रह्म वैवर्त में देहोयम् मे सदानंदो नायम प्रकृति निर्मितः, देहोयम् मे सदानंदो नायम प्रकृति निर्मितः परिपूर्णश्च सर्वत्र तेन नारायणोऽस्म्यहम्। पूर्ण कृष्ण रामादि रूपाणि परिपूर्णानि सर्वदा न चाणुमात्रं भिन्नानि तथाप्यस्मान् विमोहसि। नारदीय में है ये पूर्ण, पूर्ण न अस्वतंत्र, अस्वतंत्र न पूर्ण, और भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। अपूर्णोयम् जीवसंगो स्वतंत्र पूर्णो हरिर्यः स्वतंत्र सदैव नहि स्वतंत्रो पूर्णतां कामयीत पूर्णो यदि स्यात् अस्वतंत्रः कुतः सः। हरिरेवैको पूर्णः स एव कालातीतः। तो इसका नाम मंत्र हो जाएगा ओम पूर्णाय नमः, ओम पूर्णाय नमः। इस नाम मंत्र को जपोगे तो तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य भरे रहेंगे पूर्ण, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ओम पूर्णाय नमः, ओम पूर्णाय नमः। शैवागम के अनुसार सर्वप्रथम अष्टावक्र के कुल में उत्पन्न छिन्नद्वैध ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा, और जपने से ऋषि को सब प्रकार की पूर्णता प्राप्त हुई, इसलिए यह मंत्र पूर्ण लाभप्रद है। पूर्ण तो यहाँ पूर्ण पे ही आज का यह सत्र पूर्ण करें, स्वाध्याय हमारा चल रहा है, अच्छे से एक एक नाम का दर्शन, एक एक नाम पर विचार कर रहे हैं। आओ भगवान नाम का आश्रय लेते हुए इस वाले सत्र को यहाँ पर पूर्ण करें, और फिर 4 बजे से आगे वाली यात्रा, आज आप कुछ संकीर्तन कराओ। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण जय नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नर नारायण नारायण नर नारायण नारायण नर नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नर नारायण नारायण नर नारायण नारायण नर नारायण नारायण जय नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण बोलिए श्री हरि भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पूर्ण की यात्रा में हमें बहुत ही आनंद आया।
गुरुदेव पूर्ण की बात करते करते स्वयं ही समाधिस्थ हो गए, कहा कि अब आप पूर्ण करो, और यह अनुभव हमें हुआ, सहज ही हुआ। ऐसे पूर्ण की यात्रा के कराते हुए हमारे गुरुदेव को हम सभी का एक बार फिर से प्रणाम। और छोटी सी सूचना कि मोबाइल आपका हो सके तो अलर्ट कर दे कि वाइब्रेट रहे, या आपको अगर अनुकूलता ना हो तो किसी और को जो जानता हो उसी से करवा ले, क्योंकि 2-3 बार किसी की रिंग बजी जो अनुकूल नहीं आई वातावरण के लिए। पुनः सबको नमस्कार, मिलते हैं अगले सत्र में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए, सब गाइए, प्रेम से पुकारिए। Western Caribbean Cruise by Sanskriti Foundation USA। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के साथ स्पिरिचुअल रिट्रीट एवं धर्म यात्रा। डेट्स 30th जून टू 7th जुलाई 2024। टूर विल स्टार्ट ऑन 30th जून फ्रॉम गैल्वेस्टन टेक्सास फॉर 7 नाइट्स एंड 8 डेज। एंजॉय इंडियन एंटरटेनमेंट एंड वेजिटेरियन फूड इन लग्जरियस क्रूज। Contact for booking Ashish Thakkar USA +1 678 788 4344, Arvind Bhai Patel USA +1 313 850 9937, Keyur Shah Jaya Travels USA +1 248 701 8141, for India Jaya Travels Mumbai